पाई घटा पी पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 से जाएगी। तो हर साल की तरह इस साल भी निकल चुके थे दोस्तों के साथ तारकेश्वर की यात्रा पे। हर साल एक महीना सावन होता था, बट इस बार दो महीना था सावन। हम लोग दूसरे महीने के सावन में जा रहे हैं, वो भी संडे का दिन, और मंडे को जल चढ़ाना है नाग पंचमी के दिन। तो इस बार भीड़ काफी कम है, क्योंकि दो महीना था तो काफी लोग पहले महीने में ही चले गए। हम लोग ये दूसरे महीने लास्ट सेकेंड वीक में जा रहे, तो भीड़ भी काफी कम देखने को मिल रही है। हम लोग सब कोई बहुत खुश थे, सब कोई अच्छा सेम ड्रेस पहने थे, और सबको ये उम्मीद थी कि भीड़ ना हो और अच्छे से जल चढ़ा पाए हर साल की तरह। तो हर साल की तरह हम लोग भी ब्लॉग शूट करते, तो लास्ट वाला ब्लॉग में काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हुआ था, तो एक बार उस पर भी नज़र डालते कैसा हालत था। तारकेश्वर मंदिर पहुंच चुके हैं, अभी मंदिर के जस्ट पीछे में है, पीछे तरफ से आए, तो अब जाते हैं मंदिर के अंदर, भगवान को जल चढ़ाते हैं। सबका हालत खराब है, चलने का लुक चेंज हो गया इससे देखिए, सबका हालत खराब है, बहुत ज़्यादा हालत खराब है रात भर चलने के बाद। अब जाते हैं भगवान को जल चढ़ाते हैं। मंदिर के अंदर तो नहीं दिखा पाएंगे कैसा है, कोशिश करेंगे अच्छा शूट करने का, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा, देखते हैं क्या होता है। मेरी मंजिल है अलग, मैं हूँ तेरा ही दीवाना, दीवाना, दीवाना। तो ये कंडीशन था पिछले साल का, क्योंकि पिछले साल बहुत ज्यादा भीड़ था और हालत काफी खराब हो चुका था, और भीड़ का बिल्कुल आधा है इस बार। तो इस बार आशा करते हैं भगवान को अच्छे से जल चढ़ा के हम लोग वहाँ से अच्छे से निकल पाए। तो हम लोग सारे दोस्त लोग सेवरापुरी पहुँच चुके थे, अब यहाँ से जाना था कांवर को सजाना था, और जो भी कुछ चाहिए कांवर को सजाने के लिए और खुद के लिए, तो हम लोग उस जुग में लग चुके थे। तो हम लोग इधर पे अपने कांवर को सजाने के लिए पहुँच चुके थे। इधर पे काफ़ी दुकान थे अलग अलग ब्रांड के, अलग अलग पैसा के, जितना पैसा तुम दोगे उतना अच्छा कांवर तुम सजा पाओगे। तो सब कोई अलग अलग दाम पे अपना अपना सामान बेच रहे थे, यहाँ काफ़ी दुकान थे घाट तक के। तो यहाँ पे हम लोग जल के लिए अपना एक एक लीटर के लिए बोतल ले ले रहे, ताकि इसमें जल भर के अपना हम लोग निकल पाए। तो घुंघरू भी लगा लिए, कांवर भी सजा लिए, सब कुछ हम लोग ले चुके थे। कांवर सजा लिया मस्त एकदम, अब जा रहे फूल वूल लेके घाट पे चलते हैं, घाट पे थोड़ा नहाया जाए और मन को फ्रेश करते हुए भगवान को जल चढ़ाने के लिए कांवर लेके निकल जाएंगे। अब बस फूल लेना है। कितना पीस है इसमें? पूरी पीस है तो हो जाएगा। कितना जाना हम लोग? हाँ हो जाएगा, ले लीजिए। हाँ हो जाएगा। दिन 18 आ जाएगा। तो अभी सेवड़ा पुली का घाट पे आ चुके हैं, अभी सब कोई नहाने चला गया है, और हमको ये सारा बैग तोलिया जो भी है सब कुछ दे दिया है। उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है, लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ था, इस बार बहुत कम भीड़ है, अच्छा है, नॉर्मल रहेगा, आराम से चलने को कोई चाप नहीं, आराम से जाएंगे भगवान को जल चढ़ाएंगे और निकलेंगे। अभी सब नहाने गया है। भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है, बारिश हो ही नहीं रहा, मेरे को लगा बारिश हो रहा है होगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन धूप निकला हुआ, बहुत ज़्यादा गर्मी है, पैर में छाला पड़ने वाला पता चल गया। लास्ट टाइम तो 3-4 छाला पड़ा था, इस बार पता नहीं क्या होगा। सुनो तेरा पाउच कौन सा है? ये बहुत तेज गर्मी, अभी से ही पसीना आ रहा है, इतना ज़्यादा देखे धूप बहुत तेज है।
से ही जल उठाना है, सब कोई नहा रहा है और कावर को सजा के जल भर के निकलेंगे। यहाँ से 30-40 किलोमीटर है तारकेश्वर, पैदल जाना है। अभी से 5-6 बजे से निकलेंगे तो रात भर चलना है, उसके बाद सुबह में ही पहुँचेंगे। रात भर चलने के बाद सुबह 5-6 बजे तारकेश्वर पहुँचेंगे। इन लोग का देखो, इन लोग कैसे नहा रहा है, जैसे लग रहा है बहुत दिन के बाद पानी में नहा रहा है। उछल उछल के मजा ही मजा। अब हम भी नहाएगा, मेरे को सामान बहुत सारा है, इन लोगों को दे दे, उसके बाद हम भी जाए और नहाते। हम लोग सबको ही नहा चुके हैं, बस कावर में अब पूजा कर रहे हैं। थोड़ा मिट्टी विट्टी लगा के उसको अच्छे से पैक कर देते हैं, फूल उल चढ़ाते हैं, अब पूजा करके फिर यहाँ से निकलेंगे हम लोग। ये कावर है, इसमें गंगा जल भरे। अब इसके ऊपर से मिट्टी लगेगा, मिट्टी लगने के बाद इसमें माला फूल लगा के अच्छे से पूजा करेंगे और पूजा करके फिर निकलेंगे। करने का इंतजार कर रहा है और सबका अभी से हालत खराब है और अभी से लोग थक गया है। कोई नहीं थका भाई, हम 100% जोश में है, हाथ को टांग के लेके जाएंगे। हम 100% जोश में भाई। इन लोग तो अभी फुल फॉर्म में है। हम सबसे शरीफ और अच्छा घर का लड़का है, कोई लड़की अगर देखी है तो कॉन्टेक्ट में लेकर आईडी मेंशन रहे उसमें। अब अपना अपना सेशन के पीछे पड़ा हुआ, सब तो अपने बारे में अच्छा ही बताता है, बट कैसा है वो तो सब जानते ही है। सब जानते हैं। कार का मेरा पहले भाई, चल चल चल, अगरबत्ती अगरबत्ती शुरू करते हैं जल्दी। ऊंचे ऊंचे वादी में बसते हैं भोले शंकर, ऊंचे ऊंचे वादी में बसते हैं भोले शंकर। कैसी लागी मुझको तेरी लगन, गाऊं और झूमूं होके तुझ में मगन। ऊंची ऊंची वादी में शंकर, ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम। बोलबम और करेगा, बोलबम बोलबम बोलबम। देखो भाई लोग, सब लोग जा रहा है कावर ले, सबको रेडी हो गया है। अब सब लोग कावर ले कब निकल रहा है, एंट्री गेट में थोड़ा सबको टिकट शायद लेना पड़ेगा, उसके बाद में उनको बाहर मिलेगा। देखिए आगे आप आपको आगे ब्लॉग मिलते हैं। यहाँ पे घाट पे रहने के लिए पैसा ले रहा है, घाट पे का भी पैसा लगता है 10 रुपए करके। अभी 5:30 बज रहे हैं, सेवरा पुलिस से हम लोग जल लेके निकल चुके हैं। सब कोई कावर लेके अपना पूजा वूजा कर चुका है। वहाँ पे घाट पे भी रुकने का 10-10 रुपये करके टिकट काटा है और हम लोग का जो कावर में मिट्टी विट्टी लगाया है वो भी 20 रुपये करके लिया है। अब यहाँ से हम लोग बस निकले पैदल, अब जितना दूर हो सके उतना दूर तक पैदल चलेंगे, रुकेंगे कहीं नहीं जब तक पैर में बहुत ज़्यादा दर्द ना। ओए आयुष, आयुष घुंघरू गिर गया, उठा उसको, गुरु गिर गया, बस इसको अटका दे रहा है फिर निकले। पर्वत पे बैठा मेरा भोला शंकर, मैं उसका दीवाना, भोलेनाथ का हूँ मैं दीवाना। तो यहाँ पे हर तरह का कावर जा रहा है, बड़ा कावर छोटा कावर, हम लोग तो सिंगल एक आदमी का कावर लेके चल रहे हैं अपना अपना। आगे में ग्रुप में भी लोग आ रहे हैं, बड़ा बड़ा कावर लेके जा रहे हैं, ग्रुप में भी काफ़ी लोग आए हुए हैं। बहुत इसी तरह से बड़ा कावर भी जाता है।
हम लोग 2-3 किलोमीटर आ चुके हैं सेवड़ा पुली से आगे, काफी दूर आगे आ गए। रास्ता उतना भी ज्यादा भीड़ नहीं है, नॉर्मल है, एज इट इज चल सकता आदमी। और काफी जगह बीच बीच में खाने को भी मिल रहा है, चॉकलेट, पानी, बिस्किट, काफी कुछ मिल रहा है बीच बीच रास्ते में। और कचौड़ी खा चुका है और अभी एक कचौड़ी और दाल खाए, मजा आ गया। और अभी रुकने का कोई प्लान नहीं है, सीधा आगे जितना तक हो सके, पैर में जब तक छाला नहीं पड़ जाए तब तक चलेंगे साला, रुकेंगे बिल्कुल नहीं। क्योंकि इसमें क्या है ना, एक बार रुक गए ना वरना रुकने का ही मन करता है, वरना चलते रहो चलते रहो चलते रहो। तो पीछे में है 2-3 लोग, बीच में हम लोग 2-3 लोग हैं और 2-3-4 लोग आगे हैं, मतलब हम लोग 9 जन हैं टोटल, 9 दोस्त लोग हैं, मेरा भाई भी है। और रास्ते में जब कंकड़ पत्थर पैर में चुभता है ना तो सबसे खतरनाक लगता है भाई, लगता है पैर में खून निकला, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, बहुत ज़्यादा कंकड़ पत्थर है रोड में। इसका तो लास्ट वाला ब्लॉग में हालत देखे ही दे, इस बार नहीं होगा, इस बार नहीं होगा, चलने का लुक चेंज हो गया था इस बार पता नहीं क्या चीज़ का लुक होगा। यहाँ पे काफी कुछ मिल रहा है, पानी वानी देखिए, यहाँ पे पूरी सब्जी शरबत वाला पानी मिल रहा था। भोलेनाथ का हूँ मैं दीवाना, झूठी है दुनिया सारी, झूठा है जमाना, भोलेनाथ का हूँ मैं दीवाना, भोलेनाथ। तो काफी देर चले, हालत खराब हो गया और यहाँ पे रोड पे हम लोग बैठे हुए, एकदम सही है, सब कोई बोला रुक जा भाई रुक जा, तो हम लोग सब कोई रुके हुए इधर पे, बैठना सही से लड़की है, सबका हालत खराब है। अब यहाँ से थोड़ा देर रुकेंगे, रुकने के बाद काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ से लोकनाथ, लोकनाथ से तारकेश्वर। कैसी है लागी मुझको तेरी लगन, गाऊं और झूम होके तुझ में मगन, ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर, ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर, भोले भोले शंकर, भोले 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 शंकर। एक फ्लाई ओवर पार करके हम लोग बैठे हुए, 1.5 किलोमीटर का एकदम लंबा फ्लाई ओवर, साला खत्म ही नहीं हो रहा था, दिमाग खराब, सब बोल रहा था भाई रुक रुक रुक, तो फिर भी हम लोग फ्लाई ओवर पार किए और इधर पे रुके हुए, थोड़ा देर बैठे हुए, सब कोई अपना अपना घर बात कर रहा है कि हम सही सलामत अच्छे से पहुंच गए। यहाँ पे सब बैठे हुए, थोड़ा देर के बाद यहाँ से निकलेंगे काशी विश्वनाथ, नहीं है पैर का बहुत हालत खराब, चलते चलते एक पत्थर पैर में चुभ रहा था, पता चल रहा था हालत खराब हो रहा था, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा भाई, मन नहीं कर रहा, मन कर रहा है यहीं पे सो जाए, मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं अभी भी शॉपिंग में चलने के लिए तैयार हूँ, बोलने का तो बहुत कुछ बोल लेते हैं क्योंकि बाद में पता चलता है। कैसे हैं आप? सब बढ़िया। हंस रहा है भाई? आपको बहुत हंस रहा है। हंस रहा है, हंस रहा है, बैठे बैठे। इसका तो लुक तो देखो, बैठने का हेवी वेट है भाई, पैर का हालत खराब। हेलो बंधु, इधर इधर पांडे, जय श्री राम भाई, हालत खराब हो गया भाई,
रास्ता में इतना कंकड़ है ना, चला नहीं जा रहा, पैर चुभ रहा है एकदम, बहुत तेज चुभ रहा भाई। चप्पल पहने रहते ना तो निकल जाते आराम से। सुबह का 4:30 बज रहा है, लोकनाथ पहुंच चुके हैं, यहाँ भगवान को भी जल चढ़ा दिए। सुबह मंदिर खुल गया था, बहुत ज़्यादा भीड़ है, उतना भी ज़्यादा नहीं है, लास्ट टाइम से कम है, और पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पूरा जैसे लग रहा है काठा चुभ रहा है, बट ऐसा कुछ पैर में हुआ नहीं है, बट बहुत तेज दर्द। अब यहाँ से तारकेश्वर है 1 घंटा, मतलब 1 घंटा नहीं, मतलब यहाँ से तारकेश्वर है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, अब पैदल जाना है वहाँ, जल चढ़ा के फिर घर निकलेंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंजस्टेड है, हालत ख़राब है एकदम, रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था, कंकड़ पत्थर बहुत सारा है रास्ते में, पैर में हल्का सा चुभता लग रहा है जैसे कांटा चुभ गया है। अब यहाँ थोड़ा देर रेस्ट करके तारकेश्वर निकलते हैं। जो 50 किलोमीटर का टूर और करके आएंगे हम, जानता है क्या करेगा पंडे, इससे पहले भी सेम बात बोले थे, समझा? हाँ। याद है बैठ के लोकनाथ से निकले हुए तारकेश्वर के लिए, तारकेश्वर के लिए हम लोग पीछे वाला रास्ता पकड़े हैं, तो इधर रास्ता फाका है, बस नॉर्मल धीरे धीरे छोटा छोटा स्टेप बढ़ा के हम लोग सब कोई चल रहे हैं। हंस दे भाई थोड़ा। अब तारकेश्वर में भी पता नहीं वहाँ भीड़ होगा कि नहीं, चलते हैं और जल चढ़ा के फिर प्रसाद लेंगे, फिर ट्रेन पकड़ के निकलेंगे। तारकेश्वर के मेन गेट से अंदर आ चुके हैं, यहाँ से 500 मीटर है अंदर, तो बस अंदर जा रहे अब, बहुत ज़्यादा लगा। तारकेश्वर से हम लोग निकल चुके हैं, पैकिंग वैकिंग कर लिए, जो जो लेना था प्रसाद वरसाद सब कुछ ले लिए। सृष्टि के जन्म से भी